क्या अब नजर आने वाले हैं सलमान खान एक डिटेक्टिव के रूप में? कौन सी कोरियाई फिल्म का रिमेक करने जा रहे हैं सलमान खान? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राथ स्टूडियोज की एक और नई अपडेट में। सलमान खान जो कि फिलहाल अपनी अगली फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी हैं, जल्दी एक कॉप थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाले हैं, लेकिन इस बार वर्दी के बिना। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ दबंग की नहीं बल्कि एक और कोरियन हिट फिल्म वेटरन के हिंदी रिमेक की बात कर रहे हैं। अतुल अग्निहोत्री की रियल लाइफ प्रोडक्शन के मेकर्स ने इस फिल्म के राइट्स कोरियन प्रोडक्शन CJ एंटरटेनमेंट से खरीद लिए हैं। फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 90% चांस है कि सलमान खान के साथ ही इस फिल्म का हिंदी रिमेक बनाया जाएगा, जो कि इस साल क्रिसमस पर अपने फैंस को फिर से कायल करने जा रहे हैं चुलबुल पांडे बनकर दबंग 3 में। कोरियन फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड के बीच नजदीकियां बढ़ती चली जा रही हैं। इसका सबूत सलमान खान की ईद पर आने वाली फिल्म भारत है, और अब ये एक और कोरियन फिल्म वेटरन। हम आपको बता दें कि ये एक कोरियन मूवी है जिसके डायरेक्टर का नाम है रियो सोंग वोंग, और इस फिल्म को लिखा है इसी फिल्म के डायरेक्टर रियो सोंग वोंग ने। ये फिल्म 5 अगस्त 2015 को साउथ कोरिया में रिलीज हुई थी, जिसका बजट 5.1 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस बजट 92 मिलियन। तो बात करते हैं इसी कड़ी में आगे भारत, जो कि सलमान खान की आने वाली फिल्म है। ये फिल्म भी साउथ कोरियन फिल्म ओड टू माय फादर का एडेप्टेशन है, और ये फिल्म सलमान खान के करियर में एक रिकॉर्ड तोड़ फिल्म साबित हो सकती है। फिर उसके बाद क्रिसमस पर दबंग 3, तो यकीनन सलमान खान इस साल के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डालेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस।